आज मैं आपको बताऊंगा कि इस डेंगू बुखार से लड़ा कैसे जा सकता है। स्कूल से आने के बाद ये थी ट्यूशन में, तो आज इसका ट्यूशन भी मिस हो गया है। चलो जी, दिस इज दी फ्रॉम असी ब्लॉग्स। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ये ब्लॉग करने शुरू, लेकिन ब्लॉग शुरू करने से पहले भाई साहब नहा के शॉवर लेके आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि इस डेंगू बुखार से लड़ा कैसे जा सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो कि मेरे वालिद साहब को, मेरी वालदा को, मेरी बेटी को और तीनों को ये डेंगू का मसला हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरी वाइफ, मेरे छोटे बच्चे जो हैं वो इससे महफूज हैं। तकरीबन एक हफ्ता हो गया इसको डेंगू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई थी तबीयत, इसका स्कूल भी मिस हो रहा था, जिस वजह से मैं इसको वापसी वहां पे छोड़ के आ गया था। अभी इसको आज मैं लेके आया हूँ, ठीक है, और माशाल्लाह तबीयत बिल्कुल बेहतर है इसकी। पहले से तबीयत बहुत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि इतने दिन बाद आपसे क्यों मिल रहा हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि दो दिन पहले इसने ब्लॉग अपलोड किया कि बेटी को डेंगू हो गया, और दो दिन बाद बोल रहा है कि जी एक हफ्ता पहले डेंगू हुआ था। तो भाई साहब वो जो मैंने पीछे ब्लॉग अपलोड किया है आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मैंने रिपोर्ट किया था एक हफ्ता है 10 दिन पहले, ठीक है, इसको 10 दिन पहले ये डेंगू का बुखार हुआ है। बीच में इतना मैं परेशान था, एडिट तो कर दिया मैंने, सब कुछ कर लिया, लेकिन ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे एक रीजन नहीं है, 3-4 रीजन है। एक रीजन इसकी परेशानी हो गई, दूसरी रीजन वालदानों की परेशानी, उधर जाना, वालदानों को हॉस्पिटल लेके जाना, मतलब ये जो दिन है ना जो गुजरे पीछे काफी मुश्किल के दिन थे भाई। ये दो इशू हो गए। दो एक और इशू था जो मेन इशू था वीडियो अपलोड करने का। भाई आपको पता है कि हमारे घर में वाईफाई नहीं है, हमारा सारा काम डेटा पे होता है, सिम पे होता है, ठीक है। आपको तो पता है कि कुछ दिन पहले इत्तेजाज चल रहे थे, 2-3 दिन पहले जो इत्तेजाज चल रहे थे, जो पूरे पाकिस्तान को इंटरनेट से महरूम कर दिया भाई। कोई एप्लीकेशन वर्क नहीं करी, यूट्यूब वर्क नहीं कर रहा, टिकटॉक वर्क नहीं कर रहा, एनीथिंग एल्स, मतलब कोई चीज वर्क नहीं कर रही, ठीक है। खैर तो भाई आज मैं इसको लेके आया हूँ, ये आराम से सोई हुई है, ठीक है, तकिया साथ में रख के, ये देखे ये सोई हुई है। मुन्ना चुन्ना मेरा मुन्ना, हुआ ऐसा था कि सुबह ये स्कूल गई है, वालदा को वाले साहब हॉस्पिटल लेके गया, उन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ, मना नहीं, वाले साहब लेके जा रहे हैं, आप घर पे रहो, लेकिन आप एक काम करना कि इसको स्कूल से इसको 1 बजे छुट्टी होगी, आप पिक करके आ जाना, क्योंकि वो सुबह 8 बजे गए, टेस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड ये हुए, जिसमें उसको 6-7 घंटे उनको लग गए। तो भाई साहब मैं 1 बजे जाके बेटी को स्कूल से पिक करके आ गया था। अब मैं आपको बताता हूँ पूरे वीक जो उसके साथ डेंगू हुआ है इसमें हमने क्या किया, हॉस्पिटल नहीं जा पाई और अल्हम्दुलिल्लाह घर में इसको ठीक हो गया। सबसे पहले हमें जब ये पता चला था कि इसके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, व्हाइट सेल खत्म हो रहे हैं, तो हम बहुत परेशान हुए थे। आपको तो पता है हर माँ बाप बहुत परेशान होता है, बच्चों पर कुछ हो तो बहुत ही, मतलब अपने आप पे हो तो फिर बंदा फिर भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बच्चों में जब हो जाती है, बच्चों में बात आए तो बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमने सबसे पहले इसको इसका डर खत्म किया, डेंगू का डर जो था ना, बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन जब वो डर और ये चीज़ दिमाग में रखो, बोलते हैं ना डू और डाई, कर दो या मर जाओ, लड़ना सीखो मरना सीखो, ठीक है। ऐसा था, सबसे पहले हमने डर खत्म किया। सेकेंडली इसको खाना पीना ये नहीं खा रही थी, तो इसमें हमने इसको सबसे पहले निमकोल, क्योंकि इसको पानी की कमी ना हो। सेकेंडली जो चुकुंदरे वो ग्रे फ्रूट बोलते हैं, ड्राई फ्रूट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके भाई। डेंगू के आने के बाद ये फेमस हुआ था, उससे पहले इतना नहीं था। उसका जूस पिलाया, पपीते के पत्तों का इसको जूस पिलाया, ठीक है, उससे ये है कि प्लेटलेट्स एकदम से बढ़ जाते हैं भाई। डेंगू ऐसी चीज़ है, डेंगू को आप, मैं पता है डेंगू को क्या बोलता हूँ, पागल कुत्ता। पता है क्यों बोलता हूँ पागल कुत्ता भाई साहब? अगर पागल कुत्ते को आप पत्थर मारेंगे तो आपको काटेगा, ठीक है, नॉर्मल को भी मारेंगे तो वो भी काट लेगा, लेकिन पागल जल्दी काटेगा। उसकी वजह ये वजह हम उसको छेड़ेंगे तो वो छेड़ेगा, छेड़ेंगे तो छेड़ेगा। डेंगू भी इसी तरह है, डेंगू की अलामत से लेके और इसके होने तक की जो टाइमिंग है ना वो तकरीबन 10 दिन से 12 दिन है, किसी किसी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं इसमें रिकवर होने में, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि भाई इसको आपने पैरास्टामोल सिर्फ आपने बुखार के लिए देनी है, इसके अलावा कोई दवाई नहीं देनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी, नहीं तो भाई ये बिखर गया ना, ख़राब, मतलब ये जो छिड़ जाना, ये छिड़ गया तो आपका ये जिगर विगर फाड़ देगा सारा कुछ, ठीक है। डेंगू को नहीं छेड़ते, डेंगू में सिर्फ आपने नॉर्मल पेनाडोल इस्तेमाल करनी है और ब्रूफेन भी नहीं इस्तेमाल करनी है इसमें, ब्रूफेन होती है ना वो भी नहीं इस्तेमाल करनी, एंटीबायोटिक तो कोई इस्तेमाल करनी नहीं है इसमें, ठीक है। जहाँ तक मेरा इलम है, जहाँ तक मुझे पता है कि भाई इसमें एंटीबायोटिक नहीं खाते तो मक्खियाँ तंग करेंगी, और क्या करें, इसमें एंटीबायोटिक नहीं खाते उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो भाई ऐसा हुआ कि हमने इसको पपीते के पत्ते, चुकुंदरा, ये चीज़ें मतलब सारी इसको जूसेस वगैरह दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतरी हुई। ऐसे ऐसे खुद ही बोलने लगी, पापा मुझे भूख लग रही है, तो उसको पहले दही बन ये जो होता है वो खिलाया, जो सुबह स्कूल के टाइम बच्चे ले गए हल्की गिज़ा। उसके बाद इसने खुद बोला कि मम्मा मुझे आज रोटी पका के दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने रोटी भी खाई है कल, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है, मालिक ने बेहतरी कर दी, सब कुछ बेहतर हो गया, ठीक हो गया। ऐसा है कि भाई आज मैंने आपको बताया कि वालदा अस्पताल गई थी, जिस वजह से उसको लेके आ गया। अपना टाइम हुआ है अभी 6 का, ठीक है, 5:30-6 का टाइम हुआ है। इसके दरमियान में टाइम मैंने घड़ी नहीं देखी, ना पहनी हुई है। जाते हैं इसको दादी घर छोड़ के आते हैं, वालदा भी आ गई है अभी घर, मेरी बात नहीं है। इसके बाद मैं फ़ोन करता हूँ, देखता हूँ, उन्होंने बोला था कि हम बिजी हैं, टेस्टें हो रही हैं और टेस्टें मिलनी हैं, उसके बाद डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड होना है, तो मैंने खुद ही उनको फ़ोन नहीं किया था। मैंने कहा वो खुद ही फ्री होकर खुद ही फ़ोन कर लेंगे, उम्मीद है वो आ गए होंगे। तो जाते हैं, जल्दी बुलबुल को भी छोड़ के आते हैं यार, शॉवर लेके आऊँ, उसके बाद भी देखें पसीना मुझे बड़ा आता है यार, ये देखें आप बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर। खैर तो भाई आपको सारी चीज़ें बताई, ठीक है, इस तरह हमने किया, आपको भी खुदा खास्ता, ये मच्छर है, ठीक है। और आपको एक बात बताऊँ मज़े वाली, डेंगू के पेशेंट को अगर किसी नॉर्मल मच्छर ने भी काटा ना, वो भी डेंगू हो जाएगा भाई, मतलब किसी नॉर्मल मच्छर। अब ये देखो इसने भी चढ़ाना शुरू कर दिया, ये देखें आप, काम चेक करें इनके। और भाई व्लॉग बना रहा हूँ यार, ना करो यार, कैसा लगा मेरा मजाक? क्या यार कसम खुदा की, बंदा क्या करे, इधर इनको मना करूं, उनको मना करूं, उस परिंदों को मना करूं, एनवायरनमेंट नहीं है यार हमारे पास, वो एनवायरनमेंट नहीं है। फोन कितना भी महंगा ले लो आप, ये चीजें जब तक होंगी ना तब नॉइस कैंसिलेशन बढ़ जाएगी भाई। स्कूल से आने के बाद ये थी ट्यूशन में, तो आज इसका ट्यूशन भी मिस हो गया है। तो खैर कल आप जाना ट्यूशन में, ठीक है, चलो। A few inches later उस टाइम में निकल रहा था, तो बुलबुल ने बोला पापा रात को छोड़ के आना, अभी लेट गया था, अभी पानी वानी पिया है, उठाओ, तो भाई लाइट चली गई है। तो बुलबुल को बोलते बुलबुल उठ जाओ, उठो बेटा जल्दी करो, कैब कहाँ है मेरी फना? क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? फना कैब कहाँ है मेरी सना? यार जल्दी जल्दी बोलने में ना, नाम ही इसका सना बोल रहा था, निकल गया मुँह से फना। ना मतलब खत्म, बर्बाद। वाह क्या सीन है, तबाह बर्बाद। यार उठो बुलबुल, चलो जल्दी से, जल्दी करो, क्या बात करोगे? चलो बात करो, चलो बात करो, बोलो हेलो, हेलो व्यूअर्स, हेलो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो पापी चूलो, अस्सलाम वालेकुम, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, भाई मजा आया, वाह माशाल्लाह। अच्छा बोलो बोलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा जी इसी के साथ, ये कब का चांद है सना? ये किस महीने का चांद है? ये किस महीने का है? तीसरे महीने का भाई चांद है, पता नहीं कौन सा तीसरा महीना। किधर मेरा बैग वहां है ना? किधर है तुम्हारा बैग? कहाँ है? चलो मैं चुड़ैल हूँ। मारने लगी हो? नहीं है, नहीं प्यारी समझ गई। जल्दी करो बुलबुल, अभी छू मैं जी पापा, इतनी बड़ी डर क्यों रखी हो? सब बन जाओ, पेशन है, चुप कर बे कुत्ते, मौला ना सब बन जाओ बच्चों को पढ़ाओ। मैं कारी बन जावा? हाँ, तो यार आ जा वाला बुलबुल, यार पसीना पसीना हो गया यार मेरा, जिसम देख हालत है कोई। चलो मैं नीचे चलता हूँ, तू आ जाना पीछे। यार ये प्रॉब्लम यार जल्दी करो यार, खुदा की बड़ी पावर बैंक में मैं ब्लॉक बना रहा हूँ यार, कुछ ख्याल करो यार। आ बेटा पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ उस्ताद तू किधर जाना है? दादी और आजा बैठ जा, आजा जा 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 जा। चलो ये गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। अरे कहना क्या चाहते हो? आज
अच्छा जी, बस यहाँ पे पार्सल कराना, रिटर्न एक पार्सल मंगाना है जो मुझे सही रिसीव हुआ था, उससे जो रिटर्न करना है। अस्सलाम वालेकुम, जिंदा क्या हाल चाल है? खैरियत से है? ठीक है सुरेन भाई, ये पार्सल है, रिटर्न करना है इसको, तो अभी जा रहा हूँ मैं इसको छोड़ने। ठीक है, रसीद मैं आपसे कर ले रहा हूँ। ठीक है भाई, बैठो, मैं बुलबुल आपको कुछ होकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलो बेटा। ठीक है, क्या आया है पापा, रिपोर्ट में क्या आया है? चलो अल्लाह का शुक्र है भाई कि रिपोर्टें सारी सही हैं। अभी ऐसा है कि पेट जो है वो सूजन पेट पे, मेरे ख्याल में डेंगू की वजह से ही होगी, वो तो अल्ट्रासाउंड वगैरह गैस है ना, ऐसे छोड़ कोई मसला नहीं है, वो दवाई वगैरह दी है डॉक्टर ने। ये देखो दवाइयाँ कितनी सारी हैं, ये एक हफ्ते की दवाई है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, दुआ करें कि अल्लाह पाक करें कि ठीक हो जाए। बाकी है कि अल्लाह पाक खैर करेगा। A few inches later. ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे बुलबुल से मिला नहीं, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा चलो ये। अच्छा जी, मतलब अगर से क्या आते हैं, अभी जाते हैं तो रात के लिए खाना बना लेना है, वो लेते हैं उसको कर जाते हैं, घर जाकर फिर आपसे मिलते हैं। तुझे मैंने बाइक पे बिठा के गया था ना, तू इधर खड़ा है क्यों है, क्यों क्यों? ठीक है, अभी ऐसा है रोटी लेते हैं, रोटी लेते हैं फिर जाते हैं घर, घर जाकर सुन लेते हैं। क्या हुआ, शुवारमा खाना है? कहाँ है यार, तीन लगाना फीके वाले, बिल्कुल बिल्कुल मिर्ची हो ही ना उसमें। ठीक है भाई, तीन लगा दो भाई। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया मेरा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या है, खैरियत से हो? यार तीन रोटी दे देना, गरम लगा दो भाई, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। थैंक यू। कड़क कड़क नान आ गए, चलो यार चले जा चले जा चले जा। यार इसने बड़ा तंग किया यार, निकाल ही देता है यार, चलो चलो। ओके भाई साहब, वाइफ को बोला है, चाबी देती है, बल्कि लेके खड़ी है, पेको 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 नीचे, चलो उठाओ यार, आ जाओ चाबी तो मैं दरवाजा खोलूँ यार। भाई रोटी वोटी खा ली है, पानी भी पी लिया, ऐसे में घर आया था, रोटी खाने से पहले घर आया था, तो वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, खराब हो गई है कुछ था, एक से डेढ़ हफ्ता पहले मुझे बताया था कि मेरी लेफ्ट साइड पूरी दर्द हो रही है, लेकिन सिर्फ बुलबुल की वजह से, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बुलबुल वन वीक यहाँ पे हमारे घर में रही है, सिर्फ इस वजह से उसको डेंगू हो गया था, जिस वजह से हम ना निकल पा रहे थे, ना आ रहे थे, ना कहीं जा रहे थे। तो अभी टाइम मिला है, अभी इसकी तकलीफ भी बढ़ गई है, हेडेक्स उसको हो रहे हैं, दिमाग में सर में बहुत दर्द, फीवर हो रहा है, जाते हैं डॉक्टर पास लेके जाते हैं, और मैं इसी के साथ लोग को करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं किसी और अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, रखें दो में रखें, अल्लाह हाफिज़।